जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, आप सभी ने अनुभव किया होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे सभी पड़ोसी देश जिसमें शामिल है आपका बांग्लादेश और श्रीलंका, सबको शौक है भारत की बराबरी करने का। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, अब तो हम डिस्काउंट पर जो है कोयला भी उठा रहे हैं। तो बांग्लादेश हो लंका हो, सबके मन मचलने लगे कि हमें जो है सस्ता कच्चा तेल कैसे मिलेगा रूस। जनाब, बांग्लादेश के तो विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं अभी, ताकि वह भारत से यह कह सकें कि भैया जी, हमारी जुगाड़ भी लगवा दो, हमें भी दिलवा दो सस्ता कच्चा तेल रूस से। ये बांग्लादेश की हालत है। अब आप देखिए लंका की हालत। लंका के एनर्जी मिनिस्टर ने डायरेक्ट बात करी भारत को, बाईपास करके इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया लंका में बैठे हुए रूस के राजदूत से। रूस के राजदूत का कहना यह था कि भैया जी, ये काम हम नहीं देखते, आप हमारी कंपनियों से बातचीत करो, ईमेल डालो, फोन करो, जो करना है वो करो, बात करो हमारी कंपनियों से। लंका के एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने आनन फानन में ईमेल ठोक दिए, सबको जो है कांटेक्ट कर लिया, लेकिन भैया जी कहीं से जवाब नहीं आया। रूसी कंपनियों का कहना अनौपचारिक रूप से यह है कि भाई साहब, आपको खरीदना है तो मार्केट भाव से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में यदि रूस का कच्चा तेल मिल रहा है आपको तो उठा लो आप अपने हिसाब से। रही बात यह है कि डिस्काउंट पर आपको कच्चा तेल चाहिए, सस्ता रूसी तेल चाहिए, तो भाई साहब, हम जो है सस्ता तेल केवल उन्हीं देशों को देते हैं जिनके पास पेमेंट करने की हैसियत है। केवल वही कंट्री जो पेमेंट अफोर्ड कर सकती हैं उनको हम दे रहे हैं डिस्काउंट पर सस्ता तेल। दोस्तों, सामान्य अनुभव की बात है, आपको डिस्काउंट मंडी में कब मिलता है? आपको डिस्काउंट मिलता है जब आप बड़ी मात्रा लो और तुरंत मौके पर काउंटर पर पेमेंट करो। सामान्य अनुभव की बात है, यदि हम चले जाएं मार्केट में और दुकानदार से बोलें कि भाई साहब, फुटकर में माल दे दो और 1 महीने बाद हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो दुकानदार हमसे क्या कहेगा? दुकानदार कहेगा कि भैया जी, पहले हैसियत पैदा करो अपनी सस्ता माल खरीदने की। यही कॉमन सेंस, सामान्य अनुभव की बात सिखा दी गई है लंका के एनर्जी मिनिस्टर को। अब जो है लंका के एनर्जी मिनिस्टर बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई साहब, सस्ता कच्चा तेल हमें कहाँ से आए? तो भाई साहब, इसका समाधान तो भारत के पास भी नहीं है। रही बात यह है कि लंका के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, रानिल विक्रम सिंघे साहब, वो बहुत बढ़िया आदमी है। आज से नहीं, हमेशा से वह भारत के प्रति मित्रवत रुख अपनाए हुए हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लंका के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से अभी हाल ही में भारत को धन्यवाद दिया है कि केवल इकलौता भारत है जो कि लंका की मदद कर रहा है। तो लंका के प्रधानमंत्री ने हमें धन्यवाद दिया, उनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना है। लेकिन दोस्तों, जमीनी कड़वी सच्चाई है, आप चाहे तो जाके लंका की मीडिया पढ़ लीजिए जो अंग्रेजी में छपती है। चारों तरफ लंका की मेजोरिटी जनता और मेजोरिटी लीडरशिप भारत से जलती है, ईर्ष्यालु है। वैसे भी दोस्तों, पड़ोसियों का काम ही होता है जलना। इसलिए आज जो लंका की हालत हो रही है कि चाहने पर भी उन्हें रूसी सस्ता कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है, वह स्थिति देखकर कम से कम हमारे मन में सहानुभूति तो नहीं है, एक बात ये तय है। रही बात ये कि भारत ने लंका की मदद करनी चाहिए अथवा नहीं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, भारत ने लंका को जितना चाहे उतना पैसा दे दो आप, लेकिन भैया जी, गिरवी पे रखो कुछ ना कुछ। लंका की लुटिया डूब सकती है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि वह दिवालिया हो जाए। तो भारतीय टैक्स पेयर का जो पैसा है, भारतीय बचत का जो पैसा है, उसे फ्री में ना उड़ाया जाए लंका तक। लंका को आपको उधार देना है तो कृपया करके लंका से कहिए कि कोई ना कोई एसेट गिरवी रखो भारत के पास, तभी पैसा देना चाहिए। अब दोस्तों, यदि हमारे मत से आप सहमत हैं और यह वीडियो आपको आया है पसंद, तो लगे हाथों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।